तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ आज कुछ अलग करने को। तो बेसिकली अभी मैं हूँ बेलग्रेड में और आज काफ़ी बारिश हुई यहाँ पे और यहाँ का टेम्परेचर है कुछ 16 डिग्री। रात को ये हो जाएगा 12 से 11, काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो 3 दिन से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मैंने सुना कि मुंबई साइड भी बहुत बारिश हो रही थी, सब जगह बात हो रही थी। तो आज हम मोस्टली बेलग्रेड में जो भी बेस्ट लोकेशन है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो पहला अपना टारगेट है निकोला टेस्ला म्यूज़ियम, हम पहले वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद और 2-3 जगह है, हर जगह आज घूमेंगे। तो आज का दिन काफ़ी ऐसे ही है, धूप निकली नहीं है क्योंकि बारिश हो रही 3 दिन से यहाँ पे, तो ज़्यादा धूप निकली नहीं यहाँ पे। तो हम लोग भी जो अपार्टमेंट में रह रहे वहाँ भी थोड़ा दिक्कत हो गया बारिश की वजह से, वहाँ पर भी लाइट चला गया था। तो 2 दिन से वहाँ पर भी लाइट नहीं था, आज भी लाइट नहीं है। आई होप आज लाइट आ जाए तो मैं अपना कैमरा सब चार्ज कर सकूं। ये तो मेरा बाजू वाले एक नेबर थे जो बेंगलोर से यहाँ पे क्वारंटीन होने आया, तो उन्होंने हेल्प कर दिया। तो सर्विया फ़िलहाल हो गया है लोगों के लिए क्वारंटीन जोन। जितने भी लोग यहाँ पे आते तो 10 से 15 दिन रहते और फिर चले जाते। जब मेरे अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आए थे, जैसे पाकिस्तान से लोग आ चुके, जर्मनी से लोग आ चुके, इवन चाइना से भी लोग आ चुके, तो काफ़ी लोग से मिलाप जुलाप होता रहा है ये हफ्ते में और आगे भी हम करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो गाइस, हम पहले जा रहे हैं निकोला टेस्ला म्यूज़ियम। तो हम पहुंच चुके हैं, तो ये इसका एंट्री गेट है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ एंट्री चार्ज रहेगा कुछ भी रहा। तो ये एंट्री गेट है, हम अंदर कर चुके हैं एंट्री। सो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी इनको भी देखो, ये भी इंडिया से है, सब यहाँ पे क्वारंटीन होने आए हैं। यहाँ की हिस्ट्री की चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, यहाँ पर एंट्री फीस 800 दिनार है। अगर आपको एंट्री करनी हो तो 800 रुपये पे करना पड़ता है और आप पूरा ऊपर से नीचे क्या क्या आपको घूमना है पूरा देख सकते हो, पूरा म्यूज़ियम है। एक से एक चीज़ें थी और कैमरा मेरे को अलाउ नहीं किया, तो वही बड़ा दुख था। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा उसका मज़ा अलग है। तो दिखने नहीं मिली मेरे को कुछ चीज़ें, मेरे को आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी पर नहीं मिली मेरे को दिखाने आपको। कोई नहीं, आप आओगे तो आप आ सकते हो यहाँ पर। तो अभी सेकेंड लोकेशन हम जा रहे हैं, एक नई लोकेशन निकाली हमने, आपको पहुंचने के बाद बताता हूं मैं। यहां पे बहुत बारिश हो रही है, अभी थोड़ी रुक गई इसलिए हम लोग बाहर निकले, क्योंकि बारिश वाले कपड़े नहीं लाए हमें यार, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। हमें लगा था कि ये टाइम पे बारिश नहीं होती है, बट थोड़ी थोड़ी हो रही है। बीच में भी 2-3 दिन पहले भी बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश आ रही जा रही है, तो काफ़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। और हमारे पास वो वाले कपड़े नहीं या रेनकोट या अम्ब्रेला नहीं लेके आए, तो हम लोग नहीं कर पाते थे। आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे कि आप बेसिक भी खाना खाना स्टार्ट करोगे, पिज़्ज़ा से स्टार्ट कर दो सब लोग, तो 400-450 का मिलता है आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा। और फिर बाकी और फिर आगे जाना हो तो स्टार्टिंग 500 से 600 रुपया आपका लंच या डिनर हो सकता है। यहाँ पर खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ क्वारंटीन होने आते हो तो आप लोग सब साथ में लेके आओ, क्योंकि आपको 10-15 दिन आप घूमोगे तो मोस्टली आप अपार्टमेंट या हॉस्टल ही हायर करोगे, तो वहाँ पे किचन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया से ही कैरी करके लाओ, क्योंकि यहाँ पे रोटी नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ का जो आटा है वो बड़ा मिक्स है, मैदा टाइप का यहाँ का आटा है। मतलब मैंने सब आटे ट्राई कर लिए, किसी की रोटी सही नहीं बनती है, सब इतना सब कड़क हो जाती है। आप भून तो लोगे, जब सेकोगे उससे 2 मिनट के बाद जैसी रोटी ठंडी होती है वो एकदम चमड़े जैसी हो जाती है, फिर आपको आरी लगेगी काटने के लिए, इतना कड़क हो जाता है। फिर चुप चुप के का राजपाल यादव का आपको सीन याद आएगा कि अरे भाई आरी मिलेगी क्या, इतना कड़क हो जाता है यहाँ का रोटी। तो यहाँ पे मैंने एक पाकिस्तान भाई साहब थे उनसे बात की थी, इन्होंने बोला था कि यहाँ पे कुछ मेट्रो करके कोई शॉप है, वहाँ पे अपने को इंडियन स्पाइसेस मिल जाएंगे। बट अभी मेरे को यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है, मे बी एक हफ्ता और, उसके बाद मे बी कहीं और जाएँगे। तो अभी कुछ ही दिन बचे मेरे पास भी, तो मैं सोचा नोवी साइड भी जाने को, तो अभी कल या परसों नोवी साइड भी निकलेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको हर चीज़ की एम्बेसी मिल जाएगी, कोई भी कंट्री की आपको एम्बेसी मिल जाएगी। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी, जैसे कि कुछ दिन पहले मैं बेलग्रेड चढ़ के और कोई जगह पे गया था तो रेट्स में काफ़ी ऊपर नीचे था। जैसे कि मैंने वहाँ पे कोक पिया था तो 50 रुपये का था, और मैं जब बेलग्रेड में सेम कोक पीता हूँ तो 80 रुपये का होता है, तो बड़ा फ़र्क है पैसे में भी। और वहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा खाया था कुछ 200 रुपीज़ का, और यहाँ पे वही पिज़्ज़ा मिलता 450 का। तो जैसे ही आप
सिटी से लंबा जाते हो आपको रेट्स भी बहुत कम मिलते हैं, इवन होटल और हॉस्टल के रेट भी बहुत कम मिलते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना। अगर आप क्वारंटाइन होने आते हो और सिटी से 5 किलोमीटर दूर रहोगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिर्फ घूमना ही है। तो आप बस से लेके आ सकते हो और बस का भी मैंने ब्लॉग बना चुका हूँ, तो वो भी ब्लॉग देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कैसे चलता है। अगर आपको कैश भी पे करना तो जाते पहले ड्राइवर को आप 90 दिनार, मतलब 90 मिनट्स के 90 दिनार होते हैं, वो आप उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि TC आते हैं, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मेरे एक ब्राज़ील फ्रेंड था, उसको 5000 का फटका लग गया था, 5000 RSD का खर्चा लग गया था उसको बेचारे को। तो आप आपके साथ ना हो तो हमेशा ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो यहाँ पे भी मे बी पता नहीं लोग कैमरा अलाउ करेंगे कि नहीं, ये एक हमारे एक फ्रेंड है नीमो करके जो यहाँ पे बने थे, इन्होंने किया कि अगर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये ट्रिक रिपब्लिक के बाजू में, तो आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सो गाइस हम लोग पहुँच गए म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो ये एंट्री है मे बी, तो ये एंट्री है। सो गाइस मैं उसके अंदर गया नहीं, बिकॉज अगेन उन लोग बोलते कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं गया नहीं क्योंकि वो जो चीज़ें वो ऐसे आंखों से देखेंगे और कैमरे में देखने का मज़ा अलग था। तो मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ क्वायरी किया तो पता चला कि 750 RSD, मतलब 750 रुपये लगते हैं यहाँ पे अंदर एंट्री करने के लिए और सब अलग अलग चीज़ें जो अपने को दिखाएंगे। बट उसने बोला कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर मैं नहीं गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिपब्लिक स्क्वायर, यहाँ से हार्डली 5 मिनट वॉकिंग पे। थोड़ा बारिश हो गया इस माहौल से, थोड़ा सब रोड बोर्ड और सब पानी के छिट्टे उड़ रहे हैं आजू बाजू। सत श्री अकाल भाजी, बस हर जगह आपको तो यहाँ पे अपने भाई लोग ही मिलेंगे, सब इंडियन और पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि सब यहाँ पे साउथ ही जाने आए हैं, कुछ UK जाएंगे, कुछ पढ़ाई करने जाएंगे, कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मुझे लोग DM करते हैं रिगार्डिंग उनको वीज़ा से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, ट्रैवल से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो उनको मैं हेल्प कर दूंगा। बट जिन लोग को यहाँ पे सेटल होना है उनको वर्क चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, तो गाइस मैं रॉन्ग पर्सन हूँ, मुझे ये चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो मुझे बहुत सारे बीच में इंस्टाग्राम पे मैसेज आते कि अरे मुझे माइग्रेंट होना है सर्बिया यूक्रेन, आप बताओ। आप गलत इंसान को पूछ रहे हो, आपको टूरिस्ट से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बट ऐसे आपको कहीं सेटल होना हो तो उसके लिए मे बी आपको कोई कंसल्ट पर्सन पकड़ना पड़ेगा, वर्क परमिट के लिए भी आपको ऑब्वियसली यहाँ की कोई एजेंसी पकड़नी पड़ेगी, और आपको यहाँ पे सेटल होना है तो अगेन आपको कोई एजेंसी पकड़नी पड़ेगी या आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है या आपको यहाँ पे बिज़नेस खोलना पड़ेगा तब यहाँ पे आप सेटल हो सकते हो, उसका लंबा प्रोसेस है। तो उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे जाना है, आपको जानना हो तो आप किसी को भी हायर कर सकते हो, बहुत लोग आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, कुछ लोग फ्रॉड भी मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। तो गाइस ये है रिपब्लिक स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे रहेंगे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे एक शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको शॉपिंग से लेके खाने से लेके हर चीज़ मिल जाएगी अंदर। बहुत सारी जगह, आपने मेरा पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख लेना, यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ आपको खाने से पीने हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे फेमस है, ये मेन बेलग्रेड में है, ये जितनी भी लोकेशन आप देख रहे हो आज ये सब मेन बेलग्रेड में हो। भाई साहब आपने देखा, ये पूरा स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट बोल सकते हो, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ की ब्रांड्स मिल जाएगी। शॉपिंग तो मतलब ये शॉपिंग स्ट्रीट ही मैंने आपको बताया, फिर आपको यहाँ पे खाने के लिए के हर एक चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे पब मिल जाएंगे। बट पब के लिए आज गलत लोकेशन, आज गुरुवार है,
कोशिश करेंगे कल या परसों शायद से, अगर मैं नोवी साइड नहीं गया तो हम नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का। तो इसके बाद भी हम एक दो लोकेशन और बची है वहाँ भी जाएंगे। आपने मेरा वो बीच वाला भी देख लिया होगा जो सर्बिया का लोग न्यूड बीच बोलते हैं, वाला वीडियो भी आप देख लेना। तो ये फ्रिज किचन है, आप लोग को किसी को बहुत लोग अपने फ्रिज पर लगाते हैं अलग अलग कंट्री का। तो यहाँ पर बहुत सारे किचन है, स्टार्टिंग अराउंड 300 रुपीज़ से यहाँ पर होता है आपको किचन लेने हो तो। तो गाइस अभी हम जाएंगे यहाँ से, ये देखो ये मॉल है यहाँ का, तो ये मॉल जाएंगे हम लोग। थोड़ा भूख लगा है, मैं भी कुछ खाते जाए यहाँ पे आएंगे, देखते थोड़ा फ्रेश होके आते मॉल में जाके और फिर हम कुछ खाते हैं। सब यहाँ पे मेरे मास्क को बहुत देखते हैं क्योंकि हिंदी में लिखा है ना, तो एक दो जन ने जब बस में ट्रैवल कर रहा था कुछ कमेंट पास किया उसने आई थिंक से। एक चीज़ अच्छी है, मॉल में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, काफ़ी गर्म लगता है। मैं मॉल में 3-4 बार आ चुका हूँ तो अभी कोई आसपास नहीं, इसलिए मास्क निकाल रहा हूँ। ये है यहाँ का मॉल। तो अगेन आप कोई भी पब्लिक प्लेस में जाओ या कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग ज़्यादा हो तो आपको मास्क पहनना बहुत है ज़रूरी, जैसे कि ट्रांस हो गया, बस हो गया, मॉल हो गया या रेस्टोरेंट में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे जैसे फ्राइडे को, सैटरडे को और यहाँ पे क्लबिंग्स 2-3 बजे तक चलती है और संडे को 11 बजे मोस्टली बंद हो जाता है, क्योंकि मे बी आई डोंट नो रीज़न। नहीं तो पहले लॉकडाउन के पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे सुबह 6-7 बजे तक सब कुछ खुला रहता है, बट अभी ऐसा हो गया कि जब से लॉकडाउन यहाँ पे भी 3-3 महीना 4-4 महीना लॉकडाउन हो चुका है, यहाँ पे भी मॉल बन हो चुके हैं ये सब चीज़ें। मेरे एक दोस्त है यहाँ पे 3rd फ्लोर पर रहता है तो उसने बताई थी, अभी उसको हमने कॉल किया था बट वो शेफ़ है तो थोड़ा खाने बनाने में बिज़ी है, नहीं तो आज उससे भी जाके हम मिल के थोड़ी बातचीत करने पर आज थोड़ा बिज़ी है, उसका नाम नीमो है। तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, यहाँ के ट्रैफिक के रूल बताए जो मैं आपको बताऊँगा तो हंसोगे कि इतने रूल्स ऐसे यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत डर डर के और सेफली चलाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ के ट्रैफिक रूल भी कैसे बहुत डेंजर है। उसने मेरे को ऐसे ऐसे फ़ाइन बताई, मैं खुद सोच के डर गया कि इतना फ़ाइन होता है हर चीज़ों का, तो बहुत यहाँ पे इसलिए लोग यहाँ इतने रूल्स फॉलो करते हैं। नहीं तो आपको पता है लोग वो वेट करना पसंद नहीं, पर यहाँ पर लोग वेट करते, अगर आप देख रहे हो कि आप रास्ते पर जा रहे हो आपको पार करना है, रोड चेंज करना है, तो लोग वेट करते हैं कि आप जाओ उसके बाद हम ये करेंगे कार चलाएंगे। तो इसलिए लोग, मैंने यहाँ पे देखा कि सब रूल इसने फॉलो करते क्योंकि इतना डर यहाँ पे लोगों को कि फाइन लग जाएगा, चालान कट जाएगा। तो अभी हम लोग ये पिज़्ज़ा शॉप में है, यहाँ पे एक ही वेजिटेरियन पिज़्ज़ा का ऑप्शन था जो हमको पड़ा है 640 दिनार में। सो भाई आ गया अपना पिज़्ज़ा, ये देखो इतना बड़ा पिज़्ज़ा है, तो चलो खाते हैं और फिर आगे जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं बेलग्रेड फोर्ट्रेस, तो यहाँ से सेम 15 मिनट वॉकिंग पे, तो काफ़ी बाजू में है तो हम वॉक करके जाएंगे। एक दो चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो चोर लोग रहते हैं थोड़ा बच के रहना, वो देखेंगे आपके पर्स में पैसे है तो आपके आजू बाजू खड़े हो जाएंगे। तो हमारे साथ अभी जस्ट वो सीन हो रहा था, तो जो हम लोग रेस्टोरेंट में अभी खा रहे थे पिज़्ज़ा, उसका ओनर हम आके हमारे बाजू में खड़ा हो गया तो बंदा चले गया। और यहाँ के जो भिखारी भी होते हैं, वेगर्स होते हैं, वो भी बड़े पीछे पड़ जाते हैं और बड़े शौकीन होते हैं। देखा कि लोग सिगरेट मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तो हमने तो कुछ दिया नहीं, हम देने वाले थे पर हमारा जो बंदा था पिज़्ज़ा वाला उसने मना कर दिया कि डोंट गिव एनीथिंग। और बारिश हो रही है यहाँ पर, आप देखो काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। तो अभी जाएंगे हम नेक्स्ट लोकेशन, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे घूम सकते हैं, काफ़ी एंजॉयबल है। अभी इतना बारिश नहीं हो रहा बट थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पे। सो भाई हम आ गए, काफ़ी पास ही था 2 मिनट की वॉकिंग पे, जहाँ पिज़्ज़ा खाया वहाँ से 2 मिनट वॉक करना पड़ा, तो आ गए हम। ये हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का, काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, अंदर से रास्ता है। अरे वाह, इंडियन ही है, हर जगह मिल जाएंगे इंडियन तो हमें। बारिश हो रही है पर दिक्कत हो रही है थोड़ी बारिश में, यहाँ पे मौसम आजकल समझ नहीं आ रहा है, कभी धूप निकलता है कभी बारिश निकलता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको मैं मैप दिखाता हूँ यहाँ का, ये है यहाँ का, ये देखो ये पूरा लोकेशन है। हमने जस्ट 2 मिनट वॉक किया और आ गए, तो ये एंट्री है। हाँ, ओ मेरी आप लेफ्ट साइड देखोगे, आपको मैं दिखाता हूँ,
तो ये सब डायनासोर का सब है यहाँ पे, स्टैचूज है डायनासोर के आपके अगर आपको दिखे तो। इसको बोलते हैं डायनो पार्क। तो ये साइड सब टेंट्स, सब अलग अलग यहाँ की वॉर की जो यूज़ की गई है वो है। अब आपको मैं एक लोकेशन दिखाता हूँ। ये बेसिकली पूरा फोर्ट है, बहुत बढ़िया। और ये देखो फोर्ट के बाहर देखो, काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए मौसम थोड़ा साफ नहीं है, बट काफ़ी खूबसूरत। आप देखिए ये सारी सब बिल्डिंग बन रही है, और ये पूरा यहाँ की आप बोल सकती हो नदी है यहाँ की, ये बहुत खूबसूरत है। ये तो बारिश हो रही है, आप देख रहे हो बारिश हो रही है काफ़ी। बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए अभी तक तो किसी ने कुछ पैसे मांगे नहीं। बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे बट अभी तक उन्होंने कुछ पैसे नहीं मांगे, बट बहुत काफ़ी सही जगह है। तो बारिश बढ़ गया यार, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अब मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको यहाँ पर आना हो तो सुबह से लेकर आना, और पर बारिश के मौसम में मत आना, थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ रहा है और बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बहुत बारिश है भाई, बहुत बारिश है, कैमरा भी गिला हो रहा है। तो चलिए थोड़ा शेड ढूंढते हैं फटफट।